अब दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूँ जयविलास पैलेस, जिसका टाइमिंग आपको सामने नज़र आ ही रहा होगा। सुबह 10 बजे ये खुल जाता है और शाम को 6 बजे तक खुलता है, और साथ में सोमवार को यहाँ पर अवकाश रहता है। अब अंदर चलने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि आप जयविलास पैलेस पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं तो आप ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए, बस के माध्यम से आ रहे हैं तो ग्वालियर बस स्टैंड पहुंच जाइए, और आप चाहे तो फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं क्योंकि ग्वालियर में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, तो आप ग्वालियर के एयरपोर्ट पहुंच जाइए। उसके बाद आपको इन तीनों जगहों से ही अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं तो आपको 3-व्हीलर या फिर 4-व्हीलर की फैसिलिटी मिल जाएगी जयविलास पैलेस पहुँचने के लिए। अगर मैं 3-व्हीलर के चार्जेस की बात करूँ तो आप 4-5 पर्सन होंगे तो पर पर्सन के हिसाब से 50 से 100 रुपए में वो आपको जयविलास पैलेस पहुंचा देगा। और अगर आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ग्वालियर पहुंचे हैं तो हो सकता है आपको यहां पर एंट्री लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ये हो सकती है क्योंकि जयविलास पैलेस के काफ़ी सारे गेट हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ एक ही गेट चालू है जिसका रास्ता डीडी मॉल यानी कि दीनदयाल मॉल और राजीव प्लाजा के बीच में जो रोड है यानी कि चौराहा है उधर से होते हुए जाता है। आप जब उस चौराहे से पर पहुंचेंगे तो आपको सामने ही रॉयल इनफील्ड का शोरूम नज़र आएगा, तो आपको समझ जाना है कि आपको उसके आगे नहीं जाना है, बस वहीं से लेफ्ट साइड मुड़ जाना है। और जब आप इस रोड से बिल्कुल सीधा आएंगे तो यहां पर आपको अपने लेफ्ट साइड में मुड़ना पड़ेगा, जहां पर आपको जयविलास पैलेस के लिए एंट्री गेट मिल जाएगा। अगर आप ताज उषा किरण पैलेस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने राइट साइड जाना है। लेकिन आने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप शाम के टाइम आ रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि 4 बजे से पहले आ जाएं, क्योंकि 5:30 बजे के बाद आपको टिकट ही नहीं मिलेगा यहाँ का, और आप घूम भी नहीं पाएंगे क्योंकि कम से कम 2 से 3 घंटे का टाइम लगने वाला है अगर आप यहाँ पर आते हैं, और 6 बजे के बाद वो ज़्यादातर हिस्सा बंद कर देते हैं और आपसे जल्दी जल्दी घूमने के लिए बोलेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि आपके पास 2 या 3 घंटे का टाइम हो 6 बजने में, यानी कि आप 3 या फिर 4 बजे तक यहाँ पर एंट्री ले लें। और अगर आप अपनी 4-व्हीलर वगैरह से आ रहे हैं तो कार की पार्किंग का चार्ज यहाँ पर 70 रुपये लगता है, और अगर बाइक से आ रहे हैं तो उसका 20 रुपये है। अगर मैं यहाँ की एंट्री की चार्जेस की बात करूँ तो आपको मेरे पीछे टिकट काउंटर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारतीय लोगों के लिए यानी कि इंडियन लोगों के लिए 300 रुपये चार्ज है प्रति व्यक्ति, और अगर आप फॉरेनर हैं तो आपके लिए 850 रुपये। साथ में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिखे हुए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर बच्चे की उम्र 8 साल से कम है तो उसके लिए आपको टिकट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, और लॉकर्स वगैरह की फैसिलिटी भी आपको मिल जाती है जहाँ पर आप अपने जो भी सामान वगैरह है वो रख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी है तो आप उसमें भी सामान वगैरह रख के अंदर जा सकते हैं, कोई भी बैग अंदर अलाउ नहीं रहेगा, आप लॉकर का यूज कर सकते हैं, लॉकर का कोई भी चार्ज वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, और अंदर कोई भी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, ना ही आप कोई कैमरा वगैरह ले जा सकते हैं, लेकिन हाँ मोबाइल से फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। और हाँ भाइयों, एक खास जानकारी तो मैं आपको देना ही भूल गया कि मेरा ऑलरेडी एक ब्लॉगिंग चैनल भी है जो कि चंबल के लड़का के नाम से है, तो अगर आपको मेरी ट्रैवलिंग गाइड्स और ट्रैवलिंग वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चाहे तो मेरे उस चैनल को भी विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपना पूरे दिन का रूटीन यानी कि मैं किस तरीके से ट्रैवल करता हूँ, कैसे क्या घूमता हूँ, और मेरा ऑल डे का मतलब पूरे दिन का रूटीन वगैरह कैसा क्या रहता है, पूरी जानकारी आपको ब्लॉग वाले चैनल पर मिल जाएगी, तो आप चाहें तो उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जयविलास पैलेस या फिर जयविलास महल के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो आगे का जो भी वीडियो आप देखेंगे वो फोटो फॉर्मेट में होगा, लेकिन आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है, एंट्री करने की प्रोसेस क्या है, अंदर आपको कितने क्या हॉल देखने के लिए मिलेंगे, जो यहाँ पर सोने का बना हुआ हॉल है वो कैसा दिखता है, और भी काफ़ी कुछ डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ का थोड़ा सा इतिहास भी आपको बता दूंगा। एंट्री करने के लिए कुछ इस तरीके का टिकट आपको लेना पड़ेगा, चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए थे, और फिर लगभग 10-20 कदम चलते ही आप पहुंच जाएंगे जयविलास पैलेस के बाहर। इसके बाद आपको वो पुरानी रेल का इंजन नजर आएगा जिसे माधवराव सिंधिया ने सन 1905 में नगर निरीक्षण एवं व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए खरीदा था, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको ये इंजन नजर आएगा जिसमें आगे 3 तथा पीछे 6 सीटें हैं, साथ ही साथ इसमें शौचालय की व्यवस्था, ड्रेसिंग रूम और राइफल रैक भी उपलब्ध है। और राइट साइड की तरफ आप देखेंगे तो इसका ये कोच है जो कि महाराज के साथ चलने वाले काफिले के लिए था, और इसे पहले कोच के साथ जोड़ा जाता था। जयविलास महल और जयविलास पैलेस के अंदर चलने से पहले मैं थोड़ा इसके इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ। ग्वालियर में सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक भव्य संग्रहालय भी स्थित है, जिसमें से इस महल के कुल 35 कमरों को संग्रहालय बना दिया गया है। जब आप इस संग्रहालय को घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस महल का ज्यादातर हिस्सा इटालियन तरीके से डिजाइन किया गया है, लेकिन इस महल का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है दरबार हॉल, जिसके अंदर 2 बड़े-बड़े झूमरों को टांगा गया है, और दोनों झूमरों का वजन उनमें से लगभग 3.5-3 टन है, यानी कि दोनों झूमरों का मिला के टोटल 7 टन है। ऐसा कहा जाता है कि जब उन झूमरों को उस छत से टांगा जा रहा था तो उससे पहले
लगभग 10 हाथियों को छत पर चढ़ाया गया था छत की मजबूती नापने के लिए। खैर अंदर चलते हैं, फिर मैं आपको और चीजें भी बताता हूँ। एंट्री करने से पहले दोस्तों आपको लॉकर रूम भी दिख जाएगा जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये सुविधा फ्री है, इसका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। और फिर कुछ गार्ड्स वगैरह आपकी चेकिंग करेंगे, उसके बाद आप अंदर एंट्री कर लेंगे। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको सामने एक तोप नजर आएगी रखी हुई, और फिर वहां से राइट साइड में लगभग 5-10 कदम चलते ही आपको एक एंट्री गेट मिल जाएगा, और यही दोस्तों म्यूजियम का एंट्री गेट है। गेट के ऊपर ही कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, जैसे कि वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो आप इन्हें पढ़ लें। और यहीं से दोस्तों पैरी गैलरी की शुरुआत हो जाती है जिसमें कई सारी मूर्तियां रखी गई हैं, और हर मूर्ति की बगल से इसकी जानकारी लिखी गई है। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे दूसरी गैलरी में, जहां पर इस महल के इतिहास की कुछ झलक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं यहां पर लेफ्ट साइड में बनी हुई तीसरी गैलरी में, जो कि है सरदार गैलरी। और यहीं से आप आ जाएंगे चौथी गैलरी में, जहां पर आपको सिंधिया परिवार के काफी सारे वस्त्र देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं, ये एक सर पे बांधने वाली पगड़ी का कपड़ा है जो कि काफी लंबा है। इस साड़ी पे दोस्तों जो कढ़ाई है वो सोने की गई है, और इसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कई सारे वस्त्र मिलेंगे जिस पे सोने की कढ़ाई की गई है। थोड़ी सा अंदर चलते ही दोस्तों एक दूसरी गैलरी में चांदी से बना हुआ रथ रखा हुआ है, और रथों से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आपको यहाँ की दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद और अंदर चलने पर दोस्तों आपको सिंधिया परिवार से जुड़ी हुई कई और पालकियां, जो कि हाथियों के ऊपर लगाए जाते थे जब राजा शिकार के लिए जाते थे, बैलगाड़ी जो कि उत्सवों में यूज की जाती थी, कई और तरीके के पौधे आपको दिखाई देंगे, इन्हें भी हाथियों के ऊपर जोड़ा जाता था। और यह है दोस्तों स्पेशली शिकार के लिए बना हुआ पौधा, जो कि लकड़ी और धातु से बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक आपको पालकी दिखाई देगी, लेकिन इस पालकी की खासियत यह है कि ये पालकी खुली हुई है, जिसे शोभा यात्रा के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आपको 19वीं सदी में बनी हुई ये पालकी दिखाई देगी, जिसका उपयोग महाराजा माधवराव जी की पत्नियों द्वारा किया गया है। और यह वाली पालकी तो दोस्तों सिंधिया राजवंश को मुगल शासक शाह आलम द्वारा भेंट स्वरूप दी गई थी। खैर जानकारी के लिए दोस्तों हर फोटो के साथ जुड़े हुए जो यहाँ पर बैनर वगैरह रखे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके ज्यादा जानकारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये वाली पालकी एक ऐसी पालकी है जिसका उपयोग गर्मियों के समय में किया जाता था। घूमते घूमते दोस्तों आप आ जाएंगे सातवीं गैलरी में, जिसमें आपको और भी पोशाकें नजर आएंगी, साथ ही कुछ जानकारियां भी आपको यहां पर लिखी हुई मिल जाएंगी। साथ ही ये जानकारी आपको दीवारों पर लिखी हुई मिल जाएगी कि कब कौन सी पोशाक को उपयोग में लिया जाता था। फिर दोस्तों आप वापस से पहुंच जाएंगे उसी दूसरी गैलरी में जिसमें आप एंट्री लेते हुए सबसे पहले आए थे, जहां पर सिंधिया राजवंश से जुड़ी हुई आपको काफी सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। इस गैलरी से जब दोस्तों आप सीधी हाथ की तरफ बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एक नई गैलरी में, जहां पर आपको पुराने समय से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहां पर एक पुराना स्विमिंग पूल भी बना हुआ है जिसके ऊपर पुराने समय की काफी सारी तलवारें भी लटकाई गई हैं। इसके बाद जब आप दोस्तों अगली गैलरी में बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको माधवराव सिंधिया जी के समय से जुड़ी हुई कई चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। उसमें से कई चीजें ऐसी भी हैं जिनका उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में किया करते थे। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे अगली गैलरी में, और यहाँ पर भी उस समय से जुड़ी हुई काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। यहाँ पर कई सारी नक्काशियां तो आपको हाथी दांत से बनी हुई दिखाई देने वाली हैं। एक ये क्लासिकल रूम भी बना हुआ है। ये जो सामने आप बर्तन देख रहे हैं दोस्तों ये भी पुराने समय के हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बच्चों वाला कमरा भी है, पुराने समय में किस तरीके से बेड यूज होते थे वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये चूड़ी लटकाने के लिए अलग से स्थान बना हुआ है, और यहाँ पर पुराने समय में चलने वाले जूतों को दर्शाया गया है। और इसी तरीके से पुराने समय से जुड़ी हुई कुछ और झलकें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और फिर घूमते हुए आप पहुंच जाएंगे हथियार एवं कवच वाले सेक्शन में, जहां पर उस समय से जुड़े हुए
कई हथियार की झलक आपको देखने के लिए मिलने वाली है। इसी कड़ी में चलते हुए दोस्तों आपको माधवराव प्रथम का शयन कक्ष भी दिखाई देगा। फिर आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर बने हुए मंदिर में और ऐसे ही धीरे धीरे कई हॉल और घूमते हुए दोस्तों आप कैरमान के कालीन वाले हॉल में पहुंच जाएंगे, जिसमें आज भी यह बहुत बड़ा कालीन रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों कई सारी और आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी और सीढ़ियों से उतरकर आप पहुंच जाएंगे इस वाली बिल्डिंग के बाहर, जहां पर पुराने समय से जुड़ी हुई कई सारी और पालकियां और रथ वगैरह रखे हुए हैं, जिसमें बच्चों की साइकिल और गाड़ियां भी मौजूद हैं। वहीं से दोस्तों आपको रास्ता मिल जाएगी एक नए हॉल में जाने की, जो कि है दरबार हॉल कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जिसमें सबसे पहले घूमते हुए आप आ जाएंगे दोस्तों ताट पाट गैलरी में, जिसमें पुराने समय की भोजन की व्यवस्था आपको देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पर सोने के दो मृग भी रखे हुए हैं। इस गैलरी को घूमने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाएंगे मेजबानी कक्ष में, जिसे दावत कक्ष या फिर आप बैंक्वेट हॉल भी बोल सकते हैं। और इस हॉल में खास बात यह है कि यहाँ पर छोटी सी रेलगाड़ी से खाना सर्व करने की व्यवस्था है, जिसके लिए टेबल पर रेल की पटरियां भी बिछाई गई हैं। और इसके बाद फिर आगे चलते चलते कई सारे और हॉल गैलरियां और सामान आपको देखने के लिए मिलेगा। जिसमें से एक गैलरी ग्वालियर की महारानियों के लिए स्पेशल बनाई गई है, जिनमें पुराने समय की ग्वालियर की कौन कौन सी महारानियां थीं, जो कि उस समय के कैसे वस्त्र पहना करती थीं और उनसे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां आपको यहां पर देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों आप 33वें नंबर पर देखेंगे वो भारतीय दरबार, जिसके बारे में शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था। जी हाँ, ये वही दो झूमर हैं जिनका वजन 3.5-3.5 टन है। लेकिन एक खास बात और है इस हॉल की, वो ये है कि इस हॉल को तैयार करने में लगभग 550 किलो सोने का उपयोग किया गया था। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई सारे और मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनको आप देखते हुए और घूमते हुए म्यूजियम से बाहर निकल आएंगे। तो दोस्तों ये थी जयविलास पैलेस या फिर जयविलास महल की पूरी टूरिस्ट गाइड। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे इस चैनल पर हर हफ्ते यानी कि संडे को सुबह 9 बजे एक वीडियो लाइव हो जाती है, जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड होती है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि आपको जैसी मेरी वीडियो पब्लिश हो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वैसे ग्वालियर की ऑलरेडी कई वीडियो पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर और इसके आसपास की जो जगह हैं उनकी भी वीडियोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं।